हेलो फ्रेंड, मैं हूं लक्ष्मी। आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्मी का स्टिचिंग चैनल में स्वागत है। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं सिलाई मशीन कैसे चलाते हैं और कपड़ा कैसे सिलते हैं। और वीडियो आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, ये है धागा, ये है बॉबिन एंड ये है बॉबिन केस, इसे बोलते हैं बॉबिन केस। तो अभी हम धागा का जो रील है इसमें कील में इस तरीके से सेट करेंगे और उसके बाद बॉबिन में धागा को लपेटेंगे। तो किस तरीके से लपेटना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो धागा इस तरीके से निकाल लेना है और एक दो राउंड बॉबिन में धागा को लपेटना है ताकि हमारा जो धागा है बॉबिन से ना निकले और धागा बॉबिन में लपेटने के लिए सुविधा हो। तो इस तरीका से मशीन का जो ये नोट है ना आप लोगों को दिख रहा है, इस तरीके से इसमें सेट कर लेना है। ये मेरा ख़राब है तो इसी वजह से मैं हाथ से ही बॉबिन में धागा भरती हूँ और हाथ से भी बहुत अच्छे से धागा भर जाता है बॉबिन में। तो इस तरीके से मैं हाथ से ही भरती हूँ, आप लोग देख सकते हो। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इधर मैं धागा भर ली हूँ बॉबिन में और इस तरीके से धागा को तोड़ लेना है। और इधर मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ, जो नोट है ना ये मेरा ख़राब है, नहीं तो इसी में बॉबिन को सेट करके आप धागा आसानी से भर सकते हो अगर आपका अच्छा है तो। और इस तरीके से अभी बॉबिन को बॉबिन केस में सेट कर लेना है और जो धागा है ना ये जो धागा है इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है। बॉबिन केस में एक आपको होल दिखेगा, होल की तरफ इस तरीके से खींच लेना है धागा को और थोड़ा एक इंच जैसा धागा लंबा रखना है ताकि हमें सुविधा हो। और ये जो नॉट है ना इसके अंदर हमें बॉबिन केस को सेट करना है। तो इस तरीके से सेट करना है और एक खट का आवाज़ आएगा तो आप सोचिएगा जो आपका बॉबिन केस सेट हो गया है, आपका बॉबिन केस नहीं निकलेगा। तो मैं नीचे से ही सेट कर रही हूँ, तो इधर आप देख सकते हो, तो इस तरीके से एक आवाज़ आएगा तो आपका बॉबिन केस सेट हो गया है। और ये जो ढक्कन है इसे बंद कर दीजिए। और अभी मैं सुई में धागा कैसे इंसर्ट करते हैं वो दिखाऊँगी। तो पहले धागा को इधर से इस तरफ लाइए और ये जो है ना इसमें सेट कीजिए धागा को। और इधर जो एक चक्का जैसा छोटा सा है तो इस तरीके से हमें धागा को इधर पे भी सेट करना है। अगर आपका धागा थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना तो आप कपड़ा अच्छे से नहीं सिल पाओगे। तो इस तरीके से हमें धागा को सेट करना है और इधर पे एक आप होल देख सकते हो, इधर से फिर हमें धागा को निकालना है। तो इस तरीके से धागा को निकालना है और उसके बाद हमें ये जो आप सुई देख रहे हो ना मशीन का, इसमें भी हमें धागा को सेट करना है। इस तरीके से सुई में डालना है धागा को। तो मैं धागा डाल ली हूँ सुई में और आज मैं सिखाऊंगी जो कपड़ा कैसे सिलते हैं। और उसके बाद ये जो पहिया है, चक्का है, इस चक्का को घुमाना है और जो ये मशीन का सुई है अंदर जाएगा और जो बॉबिन केस का धागा है ना उसे बाहर निकालेगा। तो इस तरीके से करना है, एक बार अंदर जाएगा उसके बाद फिर से आपको घुमाना है, जो चक्का है ऊपर की तरफ आएगा सुई, एक बार अंदर की तरफ जाएगा फिर ऊपर की तरफ आएगा और ये जो बाहर का धागा है ना उसे आप इस तरीके से खींचिए और अंदर का धागा आपका खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो ये रहा अंदर का धागा, तो इस तरीके से निकल के आएगा और ये जो धागा है ना हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। सो गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगी जो कपड़ा कैसे सिलते हैं। तो कपड़ा मैं छोटा सा टुकड़ा ली हूँ, इसमें दो मतलब हाफ हाफ इंच का दो फोल्ड कर ली हूँ और अभी मैं इसमें सिल के दिखाऊंगी और बहुत ही आसानी से आप सिल सकते हो। और ये जो घाट है इसे नीचे करना है। और ये जो वीडियो है ना बिगिनर के लिए है, जो अभी अभी सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये जो घाट है इसे नीचे कर लेना है और ये जो चाप है वो भी नीचे हो जाएगा आपका। तो चलिए मैं आपको पैडल भी कैसे चलाते हैं, यानी कि मशीन का जो पैडल है कैसे चलाते हैं वो भी दिखाती हूँ, मशीन भी कैसे चलाते वो भी दिखाती हूँ। ये जो मैं अपना जो हाथ उसमें रखी हूँ चक्का में, वो जो मशीन का जो चक्का है ना उसे अपने तरफ करना है, तब आपका जो पैडल है वो चलेगा। सबसे पहले मैं कपड़ा को सेट कर लेती हूँ मशीन में।
तो ये जो हाथ से मैं चक्का को घुमाऊंगी अपने तरफ, दो बार घुमाऊंगी तो पैडल आपका चलेगा। तो इस तरीके से दो बार घुमाऊंगी, पैडल हमारा चल रहा है, आप देख सकते हो नीचे की तरफ। तो इस तरीके से चलाना है, और जब आपको रोकना है ना तो फिर से आप चक्के में हाथ लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से चक्के में हाथ लगाइएगा, मशीन रुक जाएगा, उसके बाद फिर आपको जब चलाना है कपड़ा सेट करके, फिर आप जब मशीन चलाएंगे फिर चक्का को घुमाइएगा तो आपका पैडल चलेगा, यानी कि मशीन चलेगा। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ये जो चक्का है अपने तरफ दो बार घुमाइए, और ये जो सुई आप देख रहे हो ना नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ। तो चक्का को दो बार घुमाना है और उसके बाद आपका पैडल भी चलेगा। आप आसानी से पाँव से पैडल को चलाइए और इस तरीके से आराम आराम से जहाँ हमें सिलाई लगाना है किनार किनार में सिलाई आप लगाइए, और देखिए कितना अच्छे से सिलाई हो रहा है। ये जो बिगिनर के लिए है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो अभी सीख रहे हैं ना सिलाई, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, घर में कोई भी कपड़ा एक लीजिए, दो फोल्ड करके सिलाइए, आप बहुत ही आसानी से सिल पाओगे। इधर मैं सिल ली हूँ और इधर मैं अभी कट कर रही हूँ धागा को, और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे सिला है। तो बहुत ही अच्छे से सिल जाता है, मैं दूसरा कलर का इसलिए ली हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। पिंक कलर का धागा ली हूँ, तो इधर आप देख सकते हो कितना अच्छे से लाइन से सिला है, आप देख सकते हो। तो ये देखिए, आप भी कर पाओगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत ही आसानी से आप सिला पाओगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। तो इधर फिर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सिलाई, देखिए कितना बारीकी से सिलाई हुआ है और कितना क्लियर हुआ है, पूरा क्लीन।